हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं न्यू फोन लेने के लिए, तो अब आपको भी घुमाते हैं साथ में कि फोन हम कैसे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, कितनी शौक घूमते हैं और लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं। तो फिर चलो हमारे साथ। ये हम कर रहे हैं लिफ्ट में कॉम्पिटिशन। इस लिफ्ट में मैं और लाडो हैं, सामने वाली लिफ्ट में निशांत और एनी है, तो देखते हैं कौन जीतता है। ये हम जीत गए, ये लोग अभी तक नहीं आए हैं, कितना मजा आया। ये व्लॉग मैंने तब शूट किया था जब दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, तो ये उसका नज़ारा है, देखो क्या हाल है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना पानी भर चुका हुआ है, पता नहीं अभी आगे कितना पानी मिलने वाला हमको। बादल देखो कितने काले हैं, मतलब और कितनी बारिश होने वाली है। पर एक बात तो है, बारिश में चीजें और कितनी अच्छी दिखने लगती है, ग्रीनरी कितनी प्यारी दिखती है। थोड़ा रुको 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 रुको, भाई बारिश में घर से निकलना बहुत डेंजरस काम होता है। आपको हालत दिखाती हूँ यहाँ की। एनी क्या है ये? फाइनली हम जिस काम के लिए आते हैं उस जगह पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं विजय सेल्स मोबाइल देखने के लिए, देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। यहाँ के स्टेप्स में देखो, यहाँ जो भी चीज़ें मिलती सारी स्टेप्स में लिखी हुई है, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। फिर हम एंटर करें और यहाँ देखो, सबसे पहले हमें देखी टीवी, क्लैरिटी देखने लायक। अरे बाबा रे, उस दिन इतना रश था जबकि दिल्ली में इतनी बारिश हो रही थी, उसके बाद भी लोगों को सामान लेना था तो वो आ रहे थे। तो ये निशांत मोबाइल देख रहे हैं, पहले हमने ओप्पो का फ़ोन देखा पर वो बहुत हैवी लगा, तो फिर हमने वीवो देखा, तो वीवो Y75 देखा। साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का हाल। भीड़ भाड़ में अगर कोई सबसे ज़्यादा तंग करता है तो वो होते हैं बच्चे। ये देखो ये कितना तंग कर रही है कि मुझे इसको गोदी लेना पड़ गया। इसके बाद मैं फ़ोन देख रही हूँ क्योंकि वो भैया मुझे कैमरा दिखा रहे थे, तो मैं कैमरा चेक कर रही थी। और साथ ही मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ व्लॉग बनाकर आपको दिखा सकती हूँ, तो ये मैं वही देख रही हूँ। उसके बाद आप देखो मुझे कौन सा फ़ोन मिला, ये गैलेक्सी का न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ है, फोल्डेबल फ़ोन है। तो ये सबसे पहले शायद विजय सेल्स में ही आया था ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो ये देखो बिल्कुल लैपटॉप जैसा ही, और एक ये था फोल्डेबल फ़ोन, ये आप देख रहे थे साथ में वीडियो भी बना रहे थे। और ये है iPhone 14 Pro। हम ले तो सकते नहीं है तो इसे छूने का ही मज़ा ले लिया कि ये कैसा दिखता है। तो मुझे तो नॉर्मल फ़ोन जैसा ही दिखा बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट फ़ोन। तो इसका प्राइस भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका प्राइस आई थिंक 1,35,000 था, और एक 13 था उसका 1,19,000 प्राइस था, और ये सारे आईफोन की एक्सेसरीज रखी हुई थी यहाँ पर। आईफोन लेना किसका सपना नहीं होता है भाई, सबका सपना होता है। तो ये इसकी प्राइस दिखा रही हूँ मैं, साथ ही आईफोन की सारी वॉचेस एक्सेसरीज सब रखी हुई थी। और ये लैपटॉप वाला सेक्शन देख लो, यहाँ सारे लैपटॉप लगे हुए हैं। और ये दिवाली गिफ्ट के हिसाब से स्पेशली गिफ्ट का सेक्शन रखा हुआ था, एनी इसको देखकर चला था, मैं मामा सारे गा मापा, तो ये वो रखा हुआ था। और तो बेसिकली यहाँ दिवाली के हिसाब से सारे गिफ्ट आइटम सेट हो चुके थे। फिर निशांत चले गए कुछ ऑफ़र वगैरह पता करने, तो जब तक हम घूम रहे थे क्योंकि बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे, तो मैं बस घूम रही थी। तो ये सारी LCD LEDs में देख रही हूँ कितनी क्लैरिटी होती है, और वॉशिंग मशीन एंड ऑल चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो चीज़ें मुझे घर में ऐसा लगता है मुझे लेना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। इसके बाद यहाँ ऑफ़र उतना अच्छा नहीं लगा तो फिर हम दूसरी जगह चले गए। भाई हम विजय सेल्स गए थे पर यहाँ ऑफर उतना अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, नहीं तो दूसरी शॉप जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है, कैसा मिलता है। हमको बेसिकली फ़ोन लेना है तो देखते हैं फ़ोन मिलता है कि नहीं। इसके बाद हम आ गए दूसरी शॉप में, वो बिल्कुल पास में ही थी, तो यहाँ भी हम गए। ये भी पूरा दिवाली के लिए सज धज के बिल्कुल तैयार था शोरूम। तो यहाँ जाते ही हमने फ़ोन देखा, तो यहाँ के भी हमको प्राइजेस उतना अच्छा नहीं लगा। बेसिकली हम कंपेयर कर रहे थे ऑनलाइन से, और निशांत को उसी दिन फ़ोन लेना था क्योंकि उनका फ़ोन जो है वो हमने रीसेल कर दिया था, तो उनके पास फ़ोन नहीं था, तो फ़ोन लेना बिल्कुल ज़रूरी था। तो हम दिवाली में जो ऑनलाइन सेल होती उनका भी वेट नहीं कर सकते थे, तो वहाँ भी हमको अच्छा ऑफर नहीं मिला। उसके बाद हम आ गए क्रोमा में, तो क्रोमा में एक बात ये है ना कि यहाँ बिल्कुल आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो MRP है जो वहाँ लिखा है उसी में ही आपको मिलता है, तो वही चीज़ हमारे साथ हुआ। तो यहाँ भी उतना अच्छा नहीं लगा, तो जब हमने तीनों चीज़ों को कंपेयर करा तो हमको यही लगा कि शायद विजय सेल्स का ऑफ़र ही बेस्ट है, और वो ऑनलाइन प्राइस से जो है वो साथ एक बिल्कुल जम भी रहा था, तो इसलिए फिर हम विजय सेल्स ही गए वापस वही फ़ोन लेने के लिए। तो हमने वीवो Y75 ही लेना था क्योंकि हमने विजय सेल्स में वो देखा था और वो हमको काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमको वही लेना था। तो वापस से फिर हम विजय सेल्स ही जाते हैं वो फ़ोन लेने के लिए।
करवाएगा दो चार दिन बाद। हाँ मतलब वहाँ पर विजय सेल्स में सही मिल रहा है कितने का मतलब? हाँ वो मतलब एटलीस्ट कम भी कर रहा है, तो कम ही नहीं कर रहा है ना। तो वापस हमारे कदम बढ़ चले हैं विजय सेल्स की ओर, और ये हमने हमारा फ़ोन हाथ में ले लिया है, और ये बस ये मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ कौन सा फ़ोन है, ये देख लो। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा फ़ोन है। तो अनबॉक्सिंग भी ये भैया ही कर रहे हैं, और ये मुझे बोल रहे थे आप प्रॉपर वीडियो बना लेना, मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा, पर मैंने अभी वीडियो बना लिया। तो ये देखो इसका टेक्सचर कितना अच्छा है इसके पीछे का आप देखो। साथ में हमको इसमें ईयरफोन भी मिला और चार्जर तो मिलता ही है, साथ में अडैप्टर मिला है ईयरफोन का। तो ईयरफोन बेसिकली शायद आजकल किसी फ़ोन में नहीं मिलते, पर इस फ़ोन में हमको मिले हैं, और ये फ़ोन मुझे इतना अच्छा लगा ना कि वापस मैं उठाकर देख रही हूँ। और आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, ये देखो बताओ ये क्या है, कितनी क्लैरिटी और कितना अच्छा लग रहा था ना, ये जो भी था थीम था टेक्सचर था जो भी था आई डोंट नो। अब आपको दिखाती हूँ सरप्राइज़, ये टीवी थी सोनी की, टीवी की क्लैरिटी देखो भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही पर सच में बहुत अच्छी थी। फिर हमने इस जगह को टाटा बाय बाय कह दिया, और अब हम घर के लिए निकल पड़े, और हमारे पास अब फ़ोन भी आ गया है। तो दूसरे दिन दिल्ली का हाल कुछ ऐसा था, चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा, जो यहाँ जब ठंड पड़ती है अच्छी खासी तब होता है। तो जब दिल्ली में बारिश हो रही थी ना, तब ठंड भी सीरियसली पड़ने लगी थी, और देखो कितना पानी गिरा था, आपको हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। और यहाँ पर देखो बिल्डिंग भी सामने की क्लियरली नहीं दिख रही थी, इतना फॉग था। कैमरे में तो फिर भी आपको क्लियर दिख रहा है लेंस की वजह से, वरना बहुत ज़्यादा फॉग था कि आपको विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी। मैं लाडो को स्कूल से ला चुकी हूँ, और उसका मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि मैंने बहुत जद्दोजहद के बाद उसको मैं स्कूल से लेकर आई हूँ। एक्चुअली बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत दिनों से बारिश हो रही है आप सब जानते हैं, तो इसके स्कूल लाने से जस्ट पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे मस्ती कर रही है ये, तो मुझे लगा नॉर्मल है, मैं जैसी बारिश बंद हुई जल्दी से मैं ले आती हूँ वरना बारिश फिर तेज हो जाएगी। तो हम गए, जब मैंने देखा वहां पर भैया बाढ़ आई हुई थी, पूरे स्कूल तक रोड भरी हुई, सोसाइटी भरी हुई। हमको कभी कभी लगता है कि गांव में लोग ज्यादा अच्छे से रहते हैं शहरों से, यहाँ तो थोड़ी बारिश में ही वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ एनी को लेने, तो अगर बन पड़ा तो मैं जितना मुझे बाहर से मोटा मोटा दिखेगा उसका वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी, अगर बन पड़ा तो। चलो दिखाती हूँ क्या हाल हो रहा है दिल्ली का, डूब रही है दिल्ली। एनी को स्कूल से हम लेकर आ गए हैं, और एनी ने टिफिन फिनिश नहीं करा जिसकी उसको डांट पड़ गई है, और मैंने जिसके लिए कैमरा उठाया मैं आपको लाडो को दिखाती हूँ। लाडो क्या खा रही है, लाडो चॉकलेट कुकीज खा रही है, देखो ये कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। इधर आओ, ऐसे देखो, ये देखो छोटा बच्चा मॉन्स्टर बच्चा है, चुड़ैल जैसी दिख रही है।